बीच के त्योहार में बड़ा ही आनंद आता है और किसी त्योहार में आता ही नहीं। जितना सजना है सवरना है, सवर लो लाली सुरमा सब लगा दिए हमने। क्या बात है, क्या बात है बेना। बीच का त्योहार तो हर वर्ष आता है और हम तो इसी आस में हर वर्ष सजते हैं, सवरते हैं, इतना कुछ करते हैं कि चलो राणा जी इस वर्ष तो हमारे साथ तीज मना ही लेंगे। पर क्या करें, उनकी आपसे नजर हटे तब तो वो हमें देखे। किसे देख रही हैं आप? कुकुया जी। या जी? जी महारानी साहब, एक बार हमारा श्रृंगार देख लीजिए ना, हम अभी तैयार होके आते हैं। जी जा। हाँ बहना चलिए। याची, आचार्य वाली बात आगे बढ़ी। मेवाड़नाथ कई आचार्यों से मिल चुके थे पर अब तक किसी का चुनाव नहीं किया है उन्होंने। जीजा ने प्रताप को युवराज घोषित करने से पहले उनकी किसी योग्य गुरु से शिक्षा वाली बात रखकर अनजाने में हमारी सहायता की है। अब हमें आगे क्या करना है सोचने का समय मिल गया है। कोई हमसे पूछे ना याची, आचार्य मिलने में जितना समय लगेगा उतना ही लाभ होगा हमारा। महारानी जयवंता बाई पधार रही हैं। आपने क्यों कष्ट लिया जीजा? हमने कहा था ना कि तीज की सारी तैयारियां हम और सज्जा जीजा कर लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है बेना। हम यहाँ इसलिए नहीं, किसी और काम से आए बेना। सज्जा, हम खास आपको ये बताने आए हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए योग्य गुरु का चुनाव हो गया है। अरे वाह जीजा, ये तो बड़ा ही अच्छा समाचार दिया आपने इस शुभ अवसर पर। पर वे है कौन और कब से देना शुरू कर रहे हैं वो शिक्षा हमारे पुत्रों को? कौन है ये तो हमें भी नहीं पता चला, पर चुनाव हो गया है ये है महत्वपूर्ण बात। हमें तो इस बात का भी संतोष है कि कुंवर प्रताप अब समझदारी के साथ साथ अपना बचाव करना भी सीख जाएंगे। बिल्कुल जीजा, बहुत आनंद हुआ हमें ये सब सुन के। हम चलते हैं। कुंवर शक्ति भी प्रशिक्षित योद्धा बन जाएंगे। बेटा हम कितने खुश हैं कि बस खुशी के मारे भाई तो सांस ही भूली जा रही है। सांस भूलने वाली खुशी तो तब होगी ना जीजा, जब प्रशिक्षण के बाद गुरुजी ये कह दे कि कुंवर शक्ति को ही भावी राजा घोषित कर दिया जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं बेना? आप हमारे साथ परिहास कर रही हैं। परिहास क्यों जीजा? हमने तो राणा जी को भी यही कहा था कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। मानते हैं प्रताप ने किले पर मेवाड़ी ध्वज फहराया, पर इससे वो कल के मेवाड़ के राजा? ये तो बड़ा निर्णय है ना जीजा। हमें लगता है कि सारे राजकुमारों को बराबर अवसर मिलना चाहिए, फिर जो सबसे योग्य हो उसे चुने मेवाड़ का भविष्य। इतनी हड़बड़ी क्या है निर्णय लेने में? मेवाड़ के भविष्य की बात है ना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही बहना, कि कुंवर शक्ति भी युवराज घोषित किए जा सकते हैं। सज्जा बाईसा के मन में उनके शक्ति के लिए संभावनाओं का ये जो बीज हमने बोया है, समय आने पर ये बीज बड़े मीठे मीठे फल देगा। महाराज, आपके आज्ञानुसार हमने सभी राज्यों से संपर्क किया है और उन्होंने अपनी एक सूची भेजी है जो हमने इसमें अंकित कर ली है। क्षमा करें दाजीराज, हम कुछ देर बाद आ जाएंगे। रुकिए कुंवर प्रताप, आप अंदर आ सकते हैं। सुल्तान सिंह जी, क्या बात है कुंवर प्रताप? कुछ नहीं दाजीराज, हम
कुछ देर बाद आते हैं। पहले तो आप यहाँ हमारी चल रही महत्वपूर्ण मंत्रणा के बीच बिना पूर्व आज्ञा के आ जाते और फिर पूछने पर बिना संतोषजनक उत्तर दिए जाने लगते। आखिर बात क्या है? गौर प्रताप, अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बाजीराज, हम वो सब सीखना चाहते हैं जो हम नहीं जानते। हथियारों की बातें, वेद पुराण की बातें, जिनको आज हम किसी भी योग्य नहीं लगते, कठिन परिश्रम से हम उनके मन में भी अपने लिए स्थान बना लेंगे दाजीराज। इसीलिए नहीं, क्योंकि हम आपके पुत्र हैं। हम अपनी क्षमताओं से देश की सेवा करना चाहते हैं दाजीराज। गौर प्रताप, शीघ्र ही आपको ये सब जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, सीखने का अवसर मिलेगा। अरे खम्मा राणा जी। आइए रावत जी। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप और अन्य राजकुमारों के प्रशिक्षण हेतु जिन गुरु को खोजने का उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा था, एकलिंग नाथ जी के आशीर्वाद से हमने उस उत्तरदायित्व को पूर्ण किया है। बहुत अच्छे रावत जी, बहुत अच्छे। बताइए उनके बारे में। राणा जी, उनका नाम है आचार्य राघवेंद्र। वंशावली उनकी निर्बाध रूप से रघुकुल तक जाती। वेद पुराणों के प्रचंड ज्ञाता, सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को संचालित करने में पारंगत होने के साथ साथ वो धनुर्विद्या के भी ज्ञाता है। अपने मन, आत्मा और शरीर को एकाकार करके आचार्य जी बड़े से बड़ी चट्टान को अपने हाथों से हिला सकते हैं। राणा जी, इस समस्त राजपुताने में उनके जैसा गुणी आचार्य कोई दूसरा नहीं हो। रावत जी, राजपुताने के इतने गुणी आचार्य के बारे में आज तक हमने सुना क्यों नहीं? वो इसलिए राणा जी, क्योंकि आचार्य राघवेंद्र सदैव जंगलों और गुफाओं में ही रहते हैं। और हाँ, अपने शिष्य का चयन वो स्वयं करते हैं। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ का? तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बनाऊंगा।